हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी के गोलगप्पे और खट्टा मीठा पानी। चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। और इसके लिए मैंने 250 ग्राम सूजी, सूजी में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। देखिए मैंने इतना ऑयल लिया है, हम इसमें से थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना मैंने बचा लिया है। ऑयल को अच्छे से सूजी में हम मिक्स करेंगे। हमने ऑयल को अच्छे से सूजी में मिक्स कर लिया है और अब हमने लिया गुनगुना पानी इसे गूंथने के लिए। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे और इसका डो बनाना है हमें। देखिए मैंने सूजी को गूंथ लिया अच्छे से, हमारा डो हो गया है, मगर अब ये रेडी नहीं हुआ है। इस पर हम जरा सा ऑयल और डालेंगे, हल्का सा, देखिए इस तरह, और इसको इस तरह अच्छे से और गूंदना है। अभी देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है। पर अब हम इसे 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। इस पर हल्का सा ऑयल और लगा लेते हैं हम। डो को 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे उघाड़ कर देख लेते हैं। डो हमारा तैयार है, एक बार इसे और अपने हाथों से इस तरह और गूंथ लेते हैं एक बार। डो से मैं इस तरह से एक आटा ले रही हूँ, ये है, उसको इस तरह लंबा लंबा कर लूंगी उबल के। इसकी एक लोई बना लेनी है इस तरह, दूसरी के साथ भी मैं इसी तरह एक लोई बना लूंगी। अब हम इन्हें बेल लेंगे। बेलने के लिए मैंने लोई पर जरा सा ऑयल लगा लिया है, मैं इसको इस तरह बेल लेती हूँ। इसको पतला बेलना है, हमने इसको बेल लिया है अब। और मेरे पास कुछ इस तरह की एक डब्बी है, मैं इससे अपने गोलगप्पे को शेप देके इस तरह कट कर रही हूँ। आप चाहें तो कुकी कटर भी ले सकते हैं। हमने अपने सारे गोलगप्पे काट लिए हैं और अब हम इसमें से एक्स्ट्रा आटा हटा लेंगे। और ये हमारा एक गोलगप्पा तैयार हो गया है। देखिए मैंने प्लेट में गीला कपड़ा पहले ही बिछा लिया था। गीला कपड़ा ही मैंने इसलिए बिछाया है ताकि हमारे गोलगप्पे सूखे ना, क्योंकि मैं इस तरह अभी और भी गोलगप्पे बनाने वाली हूँ। हमारे सारे गोलगप्पे बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने पहले से ही रख दिया था। और हमारा ऑयल अब लगभग गरम हो चुका है। हमें गोलगप्पे फ्राई करने के लिए तेज गरम तेल चाहिए। और देखिए हमारा तेल गरम था तो मैंने गोलगप्पे इसमें छोड़े हैं। और गोलगप्पे देखिए छोड़ते समय हम गैस को तेज ही रखेंगे। और जैसे ही हमारे गोलगप्पे एक साइड से फूल जाते हैं हम गैस को मंदा कर लेंगे और मंदी आंच पर इन्हें सिकने देंगे। अब इन्हें पलटते हुए सेकेंगे। इन्हें मंदी आंच पर ही सेकना है। हमारे गोलगप्पे सिक चुके हैं और मैं भी इन्हें एक प्लेट में निकाल रही हूँ। हमारे सारे गोलगप्पे अब तैयार हो चुके हैं। देखिए गोलगप्पे तो तैयार हो गए हैं, अब हम बनाएंगे इनके लिए पानी। पानी के लिए ले रही हूँ मैं पुदीना, देखिए एक गड्डी, और एक मीडियम ही गड्डी धनिए की। इसको मैं एक बाउल में डालकर धो के साफ कर लूँगी। इनको धोने से पहले हम इसमें 5 मिर्च भी ऐड करेंगे, ये भी धुल जाएंगी।
उनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। मैंने धनिया और पुदीना धोकर साफ कर लिया है। अब मैं इन्हें इस तरह से करके मिक्सी के जार में ऐड करूंगी और मैं अब इसमें एक चीज ऐड करने वाली हूँ जो है हमारी चीनी। चीनी हम 2 चम्मच डालेंगे क्योंकि हम पानी आज थोड़ा खट्टा मीठा बनाने वाले हैं और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। मैंने इसको पीस लिया है और देख लेते हैं। देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इससे पानी बनाएंगे। पानी के लिए मैंने लिया इस तरह का एक बाउल और बाउल में मैं अपना पेस्ट इस तरह से डाल दूँगी और हम आज 2 गिलास पानी बनाएंगे तो 1 गिलास पानी मैं इस तरह मिक्सी के जार में करके डाल लेती हूँ और 1 गिलास पानी और इसमें ऐड करेंगे। अभी ये 2 गिलास पानी हमने डाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हमारा नॉर्मल नमक, 1/2 चम्मच हमारा काला नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये जीरे को भून के मैंने इसका पाउडर बना रखा है, 1 चुटकी भर हींग, ये 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारा पानी अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पेस्ट और थोड़े से बर्फ के टुकड़े। लास्ट हम इसमें मिक्स करेंगे बूंदी और इसको अच्छे से एक बार चला लेते हैं। हमारा खट्टा मीठा पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारे गोलगप्पे भी बिल्कुल तैयार हैं। एक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने आलू लगाए हैं इसके अंदर। 2 आलू को मैंने उबाल कर उसके अंदर चाट मसाला मिक्स कर लिया था, इमली की चटनी। हमारे गोलगप्पे बिल्कुल तैयार हैं।